वो टेररिस्ट हाईजैकर्स नहीं है, तो उनको ना वो थोड़ा सा हल्का सा वो रखना था, इसलिए वो बात ऐसे करते हैं, क्या चल रहा है यार तेरा, बिकॉज वो है वो वाले, उनको वो यू नो दे आर नॉट फ्रॉम एनी पर्टिकुलर एक्चुअल टेररिस्ट ग्रुप और यू नो के जो राइट. हाईजैक कर रहे हैं, स्पेशली लाइक अ कॉमेडी फिल्म और समथिंग। आप जब थिएटर में देख रहे हो ना, कोई कोई सीन्स में ना आप घर जाकर देखोगे आपको उतनी हंसी नहीं आएगी, लेकिन आप लोगों के साथ बैठकर देखोगे आपको ज़्यादा हंसी आएगी, राइट. बिकॉज वी प्ले ऑफ ईच अदर्स एनर्जी एज वेल। यू नो व्हेन यू आर, आप अगर एक कम्युनिटी व्यूइंग में हो, अगर आप घर पे 10 दोस्तों को बुलाकर भी अगर एक फिल्म देखोगे, वो एक्सपीरियंस अलग होगा फ्रॉम हाउ यू वॉच इट अलोन। सो सनी, फर्स्टली गुड टू सी यू. सेम लास्ट हियर। नाइट आई सॉ द ओटीटी. हाँ काफी अच्छा लगा मुझे, थैंक काफी यू, इंटरेस्टिंग लगा. थैंक्स अ लॉट। एंड द बेस्ट पार्ट वाज द नोज. हाउ इज योर नोज राइट नाउ? माय नोज इज फैंटास्टिक मैन, बट या दैट वाज लाइक 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 उसमें फिल्म में भी बोलते हैं ना कि मुझे सिर्फ बदला नहीं लेना है, मुझे ऐसे घाव छोड़ने के वो कभी भूल नहीं पाएगा। बट सो काफी दैट वाज, इंटरेस्टिंग लग रहा था हाँ मैं जब देख रहा था. क्रेडिट गोज टू योर मेकअप आर्टिस्ट. हु इज हियर राइट नाउ साजिद, या या हाँ, काफी रियल लग रहा था वो, हाँ जो टी शर्ट में दे मार्क्स एंड द करेक्ट नोज, द करेक्ट, काफी रियल लग या रहे थे. व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दैट पर्टिकुलर रोल जो पूरी टाइम ब्लीडिंग कर रहा था यार आप वो खुद बहुत से? डिफिकल्ट था एक्चुअली वो मेंटेन करना, बिकॉज हम लोग जब प्लेन के अंदर शूट कर रहे थे तो काफ़ी बैक एंड फोर्थ शूट हो रहा था, तो ऐसा नहीं था कि अच्छा अब आज नाक टूटी है तो उसके बाद में हम प्रोग्रेशन में शूट कर रहे हैं सेम चीज़, यू नो वो फिर कपड़े बदल के आप अच्छा भाई आप ये सीन शूट करो जिसमें आप पूरा क्लीन हो, यस यू नो सो वो काफ़ी कंटिन्यूटी मेंटेन करनी पड़ रही थी, तो हैट्स ऑफ टू द कंटिन्यूटी सुपरवाइजर एंड साजिद जो मेरे यस मेकअप इट्स आर्टिस्ट ऑफ है। टू यू. अरे मैंने मैंने मेरा उसमें कोई नहीं कंट्रीब्यूशन नहीं था आपका भाई, भी लग मैं रहा बस था, मेरा नहीं काम था बस आपका भी लग बैठना रहा था, और बट वो जो जो था जी इतना रियल लग रहा था. इट वाज हाँ लाइक के बताओ सच में पंच मार पंच है. पा रहा है एंड द फर्स्ट पार्ट, इतनी सारी हाईजैक मूवीज आज तक आई जी है, तो इसमें काफी सारी डिफरेंट. व्हाट जी वाज द विजन ऑफ द डायरेक्टर अजय सर का? यार उनका ये था कि इट्स बिकॉज वो लोग एक्चुअली हाईजैकर्स नहीं हैं, वो टेररिस्ट हाईजैकर्स नहीं हैं, तो उनको ना वो थोड़ा सा हल्का सा वो रखना था, इसलिए वो बात ऐसे करते हैं, क्या चल रहा है यार तेरा, बिकॉज वो है वो वाले, उनको वो यू नो दे आर नॉट फ्रॉम एनी पर्टिकुलर एक्चुअल टेररिस्ट ग्रुप और यू नो के जो राइट. हाईजैक कर रहे हैं, तो उनको ना वो थोड़ा सा रखना था, तो इसलिए उन्होंने वो हल्का सा ब्रीफ रखा था कि इट शुड लुक लाइक अ हाईजैक, बट अगर लोग वापस मुड़ के देखें ना तो उनको लगे कि हाँ यार ये तो टेररिस्ट तो थे ही नहीं ये लोग, विच इज़ वाई दे वर टॉकिंग लाइक दिस, विच इज़ वाई हमको लग रहा था कि कुछ तो ऑफ है, कि ये लोग ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, ये लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, ऐसा तो हमने देखा नहीं है कभी भी हाईजैक मूवीज में, यू नो इट्स नॉट वाई वाई आर थिंग्स नॉट वेरी सीरियस, यू नो कि ये ऐसे कैसे कि अंकित उठ के इसको जाने दे रहे हैं, फिर हाँ पंच मार दिया, फिर इसको जाने दे रहे हैं, फिर नेहा को भी जाने दे रहे हैं पीछे, ये लोग बात कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, तो यू नो वो थोड़ा सा वो ऑफ चाहिए था कि लोग क्वेश्चन करें, ताकि जब एंड में रिवील हो कि ये सब नेहा का प्लान था हाईजैक का एंड ऑल, तब समझ में आए कि हाँ ओके ये जानबूझ के कर रहे बट हैं। अंकित की सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगती है पूरे में? मुझे अंकित की सबसे बेस्ट पार्ट लगती है कि वो हमेशा तैयार रहता है, वो राइट. हमेशा लाइक उसे ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ा कोई तोप कौन आर्टिस्ट है कि वो लोगों को चकमा देकर निकल जाएगा, बट ऐसा है नहीं, यू नो एंड स्क्रिप्ट की मैं बात करूँ, जिस तरह आपके पास स्क्रिप्ट आई, जी सबसे अच्छी बात क्या लगी एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या लगी कि मुझे ये करना चाहिए? बिकॉज आई हैव सीन यू वर्किंग. मैं लास्ट परफॉर्मेंस की बात करूँ, हमेशा डिफरेंट रोल रहता है, इसमें भी मुझे काफ़ी डिफरेंट रोल लगा. जी आप कुछ बताना चाहोगे इसको लेकर? मैं कुछ नहीं यार, मैं जब पहली बार ये फिल्म सुना तो आई वो सोल्ड आउट, बिकॉज बहुत ही कम ऐसे थ्रिलर्स मैंने सुनी थी जो मैं एक्चुअली एंटिसिपेट नहीं कर पाया था, यू नो यस बिकॉज एज एज अ व्यूअर एज अ लिसनर आप भी जब फिल्म देखते तो आपका दिमाग चलने लग जाता है कि अच्छा भी ये होगा, हाँ ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा होना चाहिए और ये होगा, तो मैं जो भी एंटिसिपेट कर रहा था ना वो नहीं हो रहा था, उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा था, तो आई वाज लाइक ओह दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और मुझे अंकित बड़ा पसंद आया बिकॉज मुझे लगा कि ये एक वैसा नेगेटिव शेड वाला कैरेक्टर है जो मैं पसंद करूँगा प्ले करना और जो ऑडियंस भी पसंद करेगी देखना, बिकॉज एंड में जब रिवील होता है कि ये किसने ये सब किया है और फिर नेहा ने इसके साथ ये सब किया है, तब इतनी सेटिस्फैक्शन मिलती है ना कि बहुत ये बहुत इंटरेस्टिंग मुझे भी हाँ लगा. कि मतलब ये अच्छा हुआ इसका नाक टूटा, हाँ यू नो वैसे वाली फीलिंग एंड आती है शूट की मैं बात करूँ, कुल्लू में शूट हो रहा था, आप जी। बीमार भी हुए थे हाँ शूट को बीच में लेकर, जी बीच में अगर कुछ बताना चाहोगे, हाउ कुछ नहीं वाज यार, द हम वेदर इन हम 4 दिन कुल्लू? के लिए थे कुल्लू में, 4-5 दिन के लिए शूट के लिए और मेरी तबीयत ख़राब हो गई वहाँ पर बिकॉज ऑफ द वेदर एंड ऑल अचानक से, तो लकीली फर्स्ट 2 डेज आए मुझे शूट नहीं करना था, राइट. वो सिर्फ
बाकियों के साथ शूट कर रहे थे, अनयामी के साथ। तो बट फिर भी जिस दिन शूट पे आया तो मेरा बुखार उतर रहा था, लेकिन फिर भी ऐसे 100-101 के आसपास था उस ठंड में। सॉरी बट वो ठीक है यार, मतलब वो सब तो चलते ही रहता है, बट शूट करने में मज़ा आया था। एंड ओ टी डी की मैं बात करूँ, कितना इंटरेस्टिंग पार्ट हो जाता है, जो लास्ट वीक आपकी जो मूवी थी वो भी ओ टी डी, दिस ऑल्सो ऑन ओ टी डी, हाउ डू यू सी एज एन एक्टर ओ टी डी को? यार वी एज एक्टर्स एंड एज मेकर्स वी सी इट द सेम, यस, वेदर इट्स ओ टी टी और थिएट्रिकल, बिकॉज हमारा काम एक्टिंग करना है, तो हम एक्टिंग कर रहे हैं, हम उसी तरीके से किरदार को देखते हैं, हम उसी तरीके से कहानी को देखते हैं जिस तरीके से आप कोई भी मीडियम में देखो, तो उतना ही 120% देकर जाना होता है। सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी डिफरेंस टर्म्स ऑफ हाउ यू व्यू इट, बट आई थिंक वो आई थिंक इट्स अ प्रोड्यूसर्स प्रेरोगेटिव, बिकॉज अ लॉट ऑफ मैथ यू नो पैसे वैसे का वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, जिसकी मुझे कोई समझ नहीं है। बट सनी एक बात होती है कि जब हमें बड़े पर्दे पे एक विजन लगता है, हम अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं, एक स्क्रीनिंग रखते हैं, एक बड़े पर्दे पे दिखा लिए, बट आपके जो फैंस है, मैं जब कल रात को जब देख रहा था, एज अ फैन देख रहा था, मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं बड़े पर्दे पे देखता हूँ एक अलग ही विजन होता है। कभी आपको ऐसा लगा कि जब आप एक्टिंग करते हो कि ये बड़े पर्दे पे आती तो मुझे ये लग रहा था कि ये बड़े पर्दे पे आती तो एक अलग ही विजन होता, एक अलग ही एक्सपीरियंस होता मेरा देखने का? यार वो ये ना वो वाली बात है कि जब तक आएगी नहीं पता नहीं होगा, पता नहीं चलेगा कि ये आनी चाहिए थी कि नहीं। एंड ऑब्वियसली यू टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट जब कोई बोलता है बड़े पर्दे पे आनी चाहिए थी, बिकॉज यस ओ टी टी इज देयर एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि ओ टी टी है, बट एट द सेम टाइम बिकॉज थिएटर सिनेमा बड़ा पर्दा इतना ज़्यादा कल्चरली इम्पैक्टफुल है हमारे कंट्री में वर्ल्ड ओवर, जब लोग बोलते हैं कि बड़े पर्दे पे आनी चाहिए तो यू टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। यस यू नो एक सेकेंड ना, हाँ एक सो तो मैं कह रहा था कि हम वी टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट यू नो थिएटर मैन, बट एट द सेम टाइम अब क्योंकि देर आर टू मीडियम्स, देर आर टू डिफरेंट फॉर्मेट्स, आई थिंक वो बनाते किस हिसाब से वो डिपेंड करता है। एंड चोर निकल के भागा तो थी ही नेटफ्लिक्स पर, इट वॉज सैंक्शन बाय नेटफ्लिक्स, एंड वो ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि हमने फिल्म बनाई है और फिर नेटफ्लिक्स पे डाला, इट्स अ नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फिल्म, राइट, सो वो नेटफ्लिक्स ने ही बनाई है वो फिल्म, तो वो उन्होंने अपने ओटीटी के लिए बनाया, तो उसमें तो कुछ कह नहीं सकते। बट जैसे शिद्दत हो या हुड़दंग हो या मिली हो, लाइक मिली तो वो थिएट्रिकल एंड देन केम ऑन नेटफ्लिक्स, बट लाइक शिद्दत हमने जब बनाई थी वी स्टार्टेड शूटिंग प्री पैंडेमिक, जब हमें पता भी नहीं था कि पैंडेमिक या लॉकडाउन जैसी कोई चीज़ होने वाली है, सो दैट वॉज तो ऑब्वियसली गोइंग टू बी अ थिएट्रिकल, बट पैंडेमिक आया एंड लॉकडाउन लगा एंड यू नो थिएटर्स पता नहीं कोई खुल रहे हैं नहीं खुल रहे हैं, 50% नहीं जा रहे हैं जा रहे हैं, सो इट वॉज बेटर टू नॉट टेक अ चांस यू नो एंड पुट इट ऑन। एज अ फैन पॉइंट ऑफ व्यू में बात करूँ, जब हम थिएटर में देखते हैं हमारे साथ कोई बाजू में रहता है, बट हम ओ टी डी में जब देखते हैं हमारे साथ बाजू में कोई नहीं रहता है, हम अकेले रहते हैं, इट्स यू इट्स मी एज अ फैन पॉइंट, एंड वो किस तरह देखते हो एज एन एक्टर, वो प्रेशर होता है कि अगर पूरा ध्यान मेरे पे मुझे थोड़ा सा अच्छा करना, ऐसा कुछ प्रेशर होता नहीं यार, बिकॉज वो थिएटर में भी अगर आप इट्स अ कम्युनिटी व्यूइंग, इनफैक्ट वहाँ पे ना और ज़्यादा ये हो जाता है बिकॉज यू प्ले ऑफ ईच अदर्स। आपने कभी ये नोटिस किया कि बहुत सारी फिल्में स्पेशली लाइक अ कॉमेडी फिल्म और समथिंग, आप जब थिएटर में देख रहे हो ना, कोई कोई सीन्स में ना आप घर जाकर देखोगे आपको उतनी हंसी नहीं आएगी, लेकिन आप लोगों के साथ बैठकर देखोगे आपको ज़्यादा हंसी आएगी, राइट, बिकॉज वी प्ले ऑफ ईच अदर्स एनर्जी एज वेल, यू नो व्हेन यू आर आप अगर एक कम्युनिटी व्यूइंग में हो, अगर आप घर पे 10 दोस्तों को बुलाकर भी अगर एक फिल्म देखोगे वो एक्सपीरियंस अलग होगा फ्रॉम हाउ यू वॉच इट अलोन, यस यू नो, तो वो कम्युनिटी व्यूइंग का एक्सपीरियंस ही एक अलग होता है बिकॉज यू नो देयर आर अदर पीपल, 100 और लोग बैठे हैं, right. और वो भी वही चीज़ देख रहे हैं, तो वो प्रेशर तो ऐसा नहीं होता बिकॉज लाइक आई सेड बिकॉज जस्ट उससे मेरा एक कैरेक्टर को देखने का नजरिया नहीं बदलेगा, बिकॉज जो कैरेक्टर कहने की कोशिश कर रहा है वो कहने की कोशिश कर रहा है, जो एक कहानी बोल रही है वो कहानी बोल रही है और हमें बस वही बताना है, ऑडियंस उसे कैसे परसीव करती है, दैट्स ऑन द ऑडियंस। रही बात रिस्पॉन्स की, तो फैंस से सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स आते हैं, स्पेशली इंस्टाग्राम से, आपको किस तरह के रिस्पॉन्स जो ये लास्ट 24 घंटे दो दिन में किस तरह के कॉमन रिस्पॉन्स आपको कुछ आपने देखे रहेंगे? हाँ, कॉमन रिस्पॉन्सेज के किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा कैरेक्टर ऐसा निकलेगा, नेगेटिव निकलेगा
फिल्म में, बिकॉज आई थिंक हमने कभी ट्रेलर में भी नहीं बताया ना हमने कभी उस बारे में बात की है कि क्या है, हमने बस बोला है थ्रिलर थ्रिलर. एंड आई थिंक हम कहीं ना कहीं वो एंटिसिपेट कर रहे थे बिकॉज कमिंग फ्रॉम अ प्रीवियस इमेज, चाहे वो शिद्दत हो या चाहे वो मिली हो कि यू नो स्वीट लव बॉय चॉकलेट बॉय क्यूट बॉय, उससे तो वी वर कैशिंग ऑन दैट एज वेल के यू नो के पीपल विल थिंक ऑब्वियसली एक इमेज बन जाती है तो लोगों को लगेगा कि हाँ स्वीट बॉय. यस, दो इमेज काफी फेमस है, एक चॉकलेट बॉय एंड बोलते हैं कि अनसंग हीरो. आप कुछ लाइफ में लाइक इफ यू वांट टू एक्सप्लोर एनीथिंग, सो व्हिच इज दैट वन पर्टिकुलर रोल दैट यू वुड लव टू एक्सप्लोर इन फ्यूचर? व्हिच इज वन पर्टिकुलर रोल? आई डोंट नो अबाउट रोल बट आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ अ सुपरनैचुरल जॉनर, लाइक अ सुपर हीरो टाइप, यू नो, लाइक वैसे बैटमैन स्पाइडरमैन. हाँ, मतलब कि जहाँ पे लगे कोई क्रिट हो, कुछ ऐसा हो के यस यू नो यू आर प्लेइंग अ सुपर हीरो एंड वर्किंग विद यामी. विकी हैज आल्सो वर्क विद यामी. कुछ बातें दोनों भाइयों के साथ एक ही लेडी वर्क करते तो कुछ तो बातें रहती है ना. नहीं यार, आई डोंट थिंक ऐसा कुछ था बिकॉज जब वो विकी के साथ काम कर रही थी तो आई एम श्योर दे वर टॉकिंग अबाउट दैट फिल्म. जब वो मेरे साथ थी तो यहाँ पर हम इस फिल्म के बारे में बात कर रहे थे. आई डोंट थिंक हमने एक भी बार कभी ये डिस्कस किया है कि ओ यू नो विकी के साथ ऐसा था या विकी के साथ वैसा था. इट्स नेवर हैपेंड बिकॉज वी वर सो ऑलवेज सो इन्वेस्टेड इन द फिल्म और क्या हो रहा है एंड कैसे प्ले करना है कि हम वो और आप एक्चुअली वैसे बातें करते हो नहीं बिकॉज यू नो दैट यू नो आई नो दैट शी इज़ वर्क विद विकी एंड सो यू डोंट टॉक मच अबाउट इट वैसे. बट व्हेन वी सी आफ्टर दैट उरी की मैं स्पेशली बात करूं, जिस तरह फैन बेस बना है विकी जी का, एक कंप्लीट चेंज हुआ है. या उरी वाज अ फैबुलस हिट. टर्न अराउंड जी, आपको लगता है कि इसके बाद आपका भी फैन बेस एकदम टर्न अराउंड होगा? जो मुझे लगता है हर मूवी के बाद ऐसा हो जाना चाहिए कि आपका फैन बेस टर्न अराउंड हो जाना चाहिए बिकॉज दैट्स व्हाट वी हम प्यार के बहुत भूखे हैं ऑडियंस के, हम उसी पर जीते हैं यू नो बिकॉज अगर ऑडियंस प्यार नहीं देगी देखेगी नहीं तो हम बना किसके ले रहे हैं.